गृह मंत्री के करीबी कांग्रेस नेता ने अस्पताल में तोड़ा दम। रिसाली में हथियारबंद गुंडों ने किया था हमला। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री दामोदर साहू के विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं के करीबी कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले में घायल कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने रायपुर में इलाज के दौरान शुक्रवार रात दम तोड़ दिया है। इसके बाद से रिसाली क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वहीं दुर्ग पुलिस अभी तक मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आपको बता दें, 6 दिन पहले 25 नवंबर को दुर्ग जिले के निवई थाना अंतर्गत रिसाली क्षेत्र में कांग्रेस नेता पप्पू यादव पर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में चाकू लगने से पप्पू यादव की हालत काफी गंभीर थी। उन्हें इलाज के लिए सेक्टर 9 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद हालत बिगड़ने पर गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया था। रायपुर में इलाज के दौरान पप्पू यादव ने दम तोड़ दिया है। कांग्रेस नेता की मौत की खबर पता चलते ही क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में सही कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक मामले में केवल 2 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी सहित अन्य फरार हैं। निवई TI प्रशांत मिश्रा का कहना है कि वो मामला हत्या की धारा से जोड़कर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। हथियारबंद 15 से 20 लोगों ने किया था हमला। निवई TI प्रशांत मिश्रा ने बताया कि घटना 25 नवंबर 2023 की रात 8 से 9 के बीच की है। पप्पू यादव रात 8:30 के करीब शीतला मंदिर टंकी मरोदा के पास स्थित चाय चौपाल नाम की दुकान में रोज की तरह बैठा था। वहाँ उस समय काफी लोग थे। अचानक मंगल देवार, दादू देवार, हरीश साहू सहित 15 से 20 लड़के आए और डंडा, हॉकी आदि लेकर पप्पू यादव पर हमला कर दिया। इसी दौरान मंगल देवार ने पप्पू के पेट में चाकू घुसा दिया। पसली के पास चाकू लगने से पप्पू वहीं ढेर हो गया। लड़कों के झगड़े में हुई हत्या। थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा की माने तो झगड़े में एक दिन पहले मंगल देवार का पप्पू यादव के भांजे से स्मृति नगर क्षेत्र में झगड़ा हुआ था। उसी बात को लेकर मंगल अपने लड़कों को लेकर रिसाली पहुंचा और पप्पू यादव के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इसी तरह कांग्रेस नेता की हत्या से पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। गृह मंत्री के काफी करीब था पप्पू यादव। कांग्रेस नेता पप्पू यादव वास्तविक रूप में सिविल कॉन्ट्रैक्टर था। वो गृह मंत्री दामोदर साहू के काफी करीब था। गृह मंत्री ने ही उसे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में प्रवेश कराया। इसके साथ ही उसे चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी दी गई थी। चुनाव के बाद उसकी खुलेआम कुछ लोगों ने हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।